आई एम सुची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। आज की रेसिपी है पनीर दो प्याज़ा। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याज़ा बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी पनीर दो प्याज़ा सब्जी बनके रेडी हुई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पैन में मैंने वाटर लिया है। इस वाटर के अंदर मैं टमाटर बॉईल करने वाली हूँ, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। उससे पहले टमाटर को ऐसे बीच में से दो चार स्लिट लगा देंगे, जिससे इनको बाद में बॉईल होने के बाद छीलने में आसानी रहती है। और इसके साथ साथ दो टमाटर के साथ मैं यहाँ पे थोड़े से काजू डाल दूंगी, ये भी बॉईल हो जाएंगे। फिर हमें ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है। इसकी स्किन को पील करके हमें काजू और टमाटर का एक पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। गैस ऑफ कर देती हूँ मैं और इसको हम साइड में करके ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेते हैं, टमाटर और काजू का। देखिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसको स्किन को पील करना है फ्रेंड्स, इसकी छिलका उतारना है जो टमाटर हमने बॉईल किया है। ऐसे ही काजू भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए स्किन भी अच्छे से पील हो जाएगी। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक और पैन लिया, उसमें मैंने ऐड किया है तेल 1 टीस्पून। और उसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज को इस तरह से काट लिया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी का नाम है पनीर दो प्याज़ा, तो पनीर की क्वांटिटी तो डबल ही यूज़ होगी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इनको इस टाइप से चौकोर कट कर लिया है। इसको हम ट्रांसपेरेंट होने तक सौते कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है, इनको मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ही अभी इसमें हमने पनीर को भी मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको भी अच्छे से हम जितना तेल है फ्रेंड्स, हम उसी में इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। एक्स्ट्रा आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम फ्लिप करके इनको पलट के देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पनीर के पीसेस कुक हो गए हैं, बहुत अच्छी सी एक लेयर आ गई है। अभी हम इसे पनीर को डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे एक गुनगुने पानी के अंदर। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है और खाने में भी इतना ज़्यादा खिंचता नहीं है। अगर पनीर को ज़्यादा पका लेते हैं तो पनीर, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि वो खिंचता है, तो इसे हम यहाँ पर पका के गर्म पानी में रख देंगे, जिससे हमारा पनीर बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहेगा। और अब हमारा ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने सबसे पहले डाला है बटर और उसके साथ साथ उसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। ये गर्म हो गया है, तब हमने इसमें ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून जीरा, हींग। उसके साथ साथ मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूंगी, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, ये जावित्री है फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 हरी वाली छोटी वाली इलायची। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमें भून लेना है। साबुत मसालों का बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है सब्जी के अंदर। और अभी हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, इनको अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। मैंने जिंजर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है फ्रेंड्स। इसको भी हम अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 हरी मिर्च, उसको मैंने बीच में से ऐसे कट कर लिया था। इसके साथ साथ अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। मसाले फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, नमक स्वादानुसार। मसाले को प्याज के साथ अच्छे से हमें पका लेना है। और आपको फ्लेम फ्रेंड्स बिल्कुल लो ही रखनी है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश दही। यहाँ पे मैंने 1/2 बोल के करीब दही लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश दही है फ्रेंड्स। इसको अब हम कुक कर लेंगे और कंटिन्यूसली हम स्टर करते रहेंगे, जिससे हमारा दही फटे नहीं। बहुत ही अच्छी लगती है पनीर दो प्याज़ा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज हम कम तेल में पनीर दो प्याज़ा बनाकर रेडी करेंगे।
ये देखिए तेल अलग हो गया है मसाले से। अभी हम इसमें टमाटर और जो काजू का हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया था वो हमने ऐड कर लिया है। इसको भी मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सब्जी प्लेन रोटी के साथ, नान के साथ, मिस्सी रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी में। अभी हमें इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए परफेक्ट हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ है और अभी हम इसको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसमें अच्छे से बॉईल आना आ गया है, तब हम इसमें जो मैंने प्याज हमने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट भून के रखी हुई थी वो डाल देंगे और इसके साथ साथ जो हमने पनीर साइड में करके रखा था वो भी डाल देंगे। पनीर को हमने ऑलरेडी कुक किया हुआ है फ्रेंड्स, तो पनीर अभी डालने के बाद हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। 5 मिनट में पनीर डालने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा आप इसको नहीं पकाएंगे। और हम इसमें लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला और इसके साथ साथ कसूरी मेथी ऐसे हाथ से क्रश करके, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। हमारी पनीर दो प्याज़ा सब्जी बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ध्यान रखिए पनीर डालने के बाद इसको 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। ये देखिए सब्जी हमारी रेडी है। अभी हम इसमें डाल देते हैं फ्रेश धनिया पत्ता और हमारी पनीर दो प्याज़ा सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए हम अपनी सब्जी सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ पनीर दो प्याज़ा बनके रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ आज हमने सब्जी बनाकर रेडी की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।